बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। और आज के इलेक्शन सर्वे में आज हम मौजूद हैं एन ए 103 जो कि साबका शेख खुर्रम शहजाद का हलका था, जिसमें वो विन करके नेशनल असम्बली में पहुंचे थे और सूबाई असम्बली से यहां से उम्मीदवार ख्याल कासरू साहब से जो कि नोली को हरा के सूबाई असम्बली में पहुँचे थे। आज हम मौजूद हैं 2024 के इलेक्शन में किस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एरिया गुलामाबाद का एरिया, रजाबाद का एरिया, ये सारा एरिया जो है एन ए 103 में लगता है और ये मेन बाजार है जहाँ की बहुत बड़ी अक्सरीती आबादी इस बाजार में मौजूद होती है। लोगों से बात करेंगे, क्या कहना, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर भाई? अभी तक तो कुछ पता नहीं है, लिहाजा जो बेहतर लगेगा वही कर देंगे। किसको वैसे लग, किसको समझते हैं आप, कौन बेहतर है भाई? वैसे तो तकरीबन सारे एक जैसे हैं, लेकिन अभी तक इनके ना कुछ बेहतर नहीं बता के किसको करेंगे। जो दिल को भाया उसको कर देंगे। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम असब, कैसे हैं आप? ठीक है, तू इस रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह। असब, क्या समझते हैं इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना चाहिए? असी जी ता जिंदगी साडा जड़ा ना खून नवाज शरीफ शेर दे नाल आ, अल्लाह दे हुक्म ना शेर नू मोहर लाउणी आ, इन्हां नू जिताउणा वा, इमरान खान चरसी नू नठाउणा वा, ते इंशाल्लाह शेर नू मोहरा लाउणी आ। मुसाफर रहे, सफर करते रहे, दस घंटे जो पिंडी जाते रहे, सानू तोहफा दिता एक सारी जिंदगी। एक बंदा होंदा ना मोटरवे का तोहफा तिना घंटे च, इत्थे वेखो किड्डा वड्डा। एक काबिश हर बंदे दी नहीं हुंदी, काम तो सारे लीडर करते आ, काबिश हर बंदे दी नहीं हुंदी। ओ बंदा हुंदा जिहड़ा काम करके दिखावे, इस करके असी उहदे फैन आ, इस करके। होर गल कोई नहीं, सानू कोई किसे दा नहीं। बहुत शुक्रिया जी। मियां साहब, हाँ जी जनाब, किसको वोट देंगे? वोट मियां साहब दा जी, मियां साहब इस टाइम गुड वैल्यू मियां साहब जी, बाकी नु ते दबिया सारे नु जी, क्यों जी। अच्छा, लास्ट ईयर लास्ट इलेक्शन दे विच इत्थों तुहाडे पीटीआई दे उम्मीदवार मुंतखब होके गए सी, इस बार उम्मीद है तुहानू कि अल्लाह सुणे दी रहमत ना कदी ओ बंदा ख्याल कासरो काउंसलर नहीं अपने महल्ले च हो सकदा जिन्ने 57,000 दी लीड दे दित्ती, झुरलू फेर के पहलो ही झुरलू फिर गया। खुर्रम शहजाद अच्छा बंदा सी, ओह भी लोटा हो गया अल्लाह दे हुक्म नाल। करम अंसारी ते मलक नवाज, बस होर कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं, लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, इनसे बात करें, क्या करना। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, इलेक्शन में किसको सपोर्ट करने का प्लान? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के, इमरान खान साहब की कोई पसंद करने की एक वजह? का डायलॉग एक ही पसंद है हमें, या कहना बदू या कनस्तैन जी, जबरदस्त। हम साथ साथ एक वजह भी पूछ रहे हैं कि क्या आवाम को शोर भी है, कि उसमें क्या स्पेशल चीज़ है जो कि पसंद करने वाली है। चलें आगे चलते हैं, दोस्तों से बात करेंगे, क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र के अल्लाह पाक। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? नोली को। सपोर्ट करने की कोई एक वजह? भाई उसके दौर में फिर भी काम बेहतर था, जब से माशाल्लाह पीटीआई आई है आपको पता है महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी जनाब, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार इलेक्शन में? पीटीआई। पीटीआई को सपोर्ट करने की एक वजह? बस इमरान खान ईमानदार बंदा है। इमरान खान ईमानदार बंदा है जी। चले जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सब सपोर्ट कर रहे हैं एसएफ इलेक्शन से? ये मेरे को होया है ना कुछ, तो मैं की करूंगा कि वोट नहीं बने अपना? बने हैं गवाच के शनाख्ती कार्ड जड़ा। पीटीआई नून लीग चो या किसी भी केड़ी जमात नु पसंद कर रहे जी? बे गल ए हैगी आ, कुश्ती हुंदी है दो पहलवाना दी, सही है, जे एक नु बन्या होवे ते एक खुला फिरे ओ कुश्ती ते ना ना होई। जी ओ शेख बाबा जी, ने जे ते हैगी है कुश्ती ते मैनु दस दियो। सही, ते बाकी ए भई मैदान तां ही सजदा जे दोवें जाने आमो सामने होण। सही, ते फिर नून लीग लागे ना लगे? नहीं, मैं किसी ने बुरा नहीं कहना चाहता, मैं तो गल जी पते की कुश्ती ओदा ही ना आया। सही है।
कोशिश करो वोट तुसी कह रहे जी पीटीआई दे वास्ते नहीं मेरे बच्चों का वोट तो हैगा वा मेरे को शनाख्ती कार्ड गुआच गया है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम जी। क्या हाल चाल जी? अलहमदुल्ला जी। सब अगर वोट देना पाया तो किनू दोगे वोट? एक सानू मारिया महंगाई ने, मकान का किराया 35,000 रुपया, दुकान का किराया 60,000 रुपया, अब शर्मा खान डे राशा साड़िया मुक गई वोटा जाके लगी आ शहीद हो जाएंगे वोट तो क्या देने सी इनके किसे ने भी नहीं दी समय देख दी मतलब आ जाएंगे इसे मर गए हैं हाड़ी की जिंदगी आ ये मोटा मकान आ गए थे अरे मकरूज आ हथौर भी ये तो उधर मोटा ना वाटे करो वो मोटा लैंड नहीं आये वो कहते हैं देनी किन्हों देनी है वैसे जेड़ा मर्जी ले ले न्यू लीग पीटीआई जेड़ा मर्जी ले ले ठीक हो गया। अच्छा दोनों विच पहले किन्हों नु पसंद करदे किन्हों वोट देंदे सी? चले जी लोगों से बात कर हां जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी इलेक्शन जी किन्नू सपोर्ट कर रहे जी इस बार किन्नू वोट देना जी? ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ? ਓਪਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਨੋਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 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 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹਮਨੇ। ਅੱਛਾ ਨੋ ਲਿੰਗ ਹੈ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਕੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਨਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਇਸ ਹਲਕੇ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸਤਾਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨੇ ਆ ਗਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਹਲਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਮੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੈਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਕਿਸ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ? अभी तो किसी को नहीं कर रहे लेकिन कैंडिडेट कोई खड़ा होगा जब भी पता। ऐसे कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? ऐसे तो तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ करने की कोई एक वजह? इमरान खान। ठीक है इमरान खान की कोई जो खास बात पसंद आती है वो? इमरान खान की ये खास बात है कि उसमें ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है बाकी में सबसे बेहतर? बाकी में सबसे बेहतर, बाकी तो सब ठगी हैं, तकरीबन ठगी हैं। ठीक चले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट बन गया कि नहीं अभी? जी जी बन गया मुल साहब का। कल साहब ने फैसला कर लिया। किसको पसंद करते हैं? हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट डालेंगे। पीटीआई को वोट देने की एक वजह खास? पीटीआई को वोट डालने की वजह एक खास जो है ना वो हमारा जो सबसे पुराना खिलाड़ी है उसने हमें वर्ल्ड कप जिताया है और वो इंशाल्लाह हमारे काम भी आएगा आगे। बड़ा अच्छा लीडर है। चले जी आगे चलते हैं। इस तरफ दोस्त मौजूद है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है शुक्र जी माशाल्लाह। इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना पसंद? हम तो पीटीआई के सपोर्ट करते हैं जी। हाँ जी खास वजह शेख उलम शहजाद ने बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रवीण मेरजाल बनाया उन्होंने। हाँ जी गरीबों की मदद हो रही है जी। अब सर किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार इलेक्शन में? पीटीआई जनाब। पीटीआई को सपोर्ट करने की एक वजह? वजह बंदे बहुत अच्छे हैं इमरान खान। अच्छा अच्छा इमरान खान की वजह तो पीटीआई। ठीक है पीटीआई जिंदाबाद। चले जी हद साहब बैठे। अस्सलाम वालेकुम हद साहब कैसे हैं? ठीक है शुक्र है अल्लाह। सब इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाले सोचे आने का। अच्छा आपको पार्टी अच्छी लगती है दोनों में से कोई? सोचांगे तो दसांगे। अच्छा चले जी अभी इन्होंने सोचा नहीं है। चले आगे चलते हैं बात करते हैं दोस्त क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले जी आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? ठीक है। इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना पसंद करें? इलेक्शन में? हाँ जी नून लीग। नून लीग को ये खास वजह? बस वही अच्छा है। अच्छा हाँ जी। अच्छा कोई एक काम होता है ना कि इसने बड़ा अच्छा किया है वो कोई याद? कारोबार ही कारोबार। आप समझते हैं कि नून लीग के दौर में कारोबार अच्छा था। चले जी आगे समझ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हैं? ठीक है। इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान कैसे हैं? ठीक है।
किसको वोट देना पसंद करेंगे इस इलेक्शन में? सर मैं किसी को देना नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। किस पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करेंगे इस बार? इमरान खान। एक वजह भी बताते जाएं साथ। वो खुद साफ है लेकिन साथ वाले साफ नहीं। वो खुद साफ है लेकिन साथ वाले जो है वो नहीं साफ। तो फिर क्या समझते हैं कि अगर साथ वाले साथ ना हो तो कामयाब हो सकता है बंदा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, कामयाबी एक ना एक दिन जीतती है भाई। चलिए बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह और भी दोस्त मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना है, हमारे साथ रहिए। चलिए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी भाईजान, इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को फिलहाल। तो नून लीग को सपोर्ट करने की कोई एक वजह? वजह यही है कि उन्होंने आती पेट्रोल कम कर दी है और अभी तक तो फिलहाल ब्रेक ही है, बस बकाया देखेंगे मुल्की हालात के हिसाब से फिर इंशाल्लाह। यानी कि आप समझते हैं कि नून लीग बेहतर है? नून लीग बेहतर है भाईजान। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? नून लीग इसलिए हम वोट देते हैं क्योंकि हमारे बड़े इसको वोट दे रहे हैं, सिर्फ ये वजह है। आगे अच्छा कोई बेहतर है या ना बेहतर ये नहीं पता आपको? नहीं पता, क्योंकि जिनसे हमारे वाला साहब है ना, हमारे उनसे वाला साहब है, वो नून लीग के ना बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उनके इनके मिलन गिलन भी है सारा उनके साथ, इसी वजह से। चले जी आगे चलते हैं, क्या कहती है आवाम? अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक जी, इलेक्शन जी किन सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा पे? इमरान खान। कोई एक वजह नाम दस? क्यों, कोई एक वजह भी होती ना, कोई बेहतर चंद दसता यार, कोई छोटी सी एक वजह भी होती ना बंदा को पसंद आती वो भी बता दे यार। अच्छा लीडर है और तो वजह की जी भाईजान किन सपोर्ट कर रहे हैं जी? नून लीग। नून लीग की सपोर्टर है जी। चले जी आगे चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं, आप बताइएगा कि इस इलेक्शन में किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो BMLN को ही वोट देंगे, नवाज शरीफ को। एक पसंदगी की एक वजह होती है, किसको मतलब क्या वजह है वैसे? नहीं हमारी शुरू से हमारा कि फैमिली रिलेशनशिप भी है और हम यानी कि BMLN को ही वोट देते हैं। चले जी अस्सलाम। फैमिली यानी कि ओवरऑल ऑल इन ऑल ना सारी फैमिली किसी को वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को। PDI को। इमरान खान से प्यार है, इमरान खान से बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक खास वजह? सारी खास ही है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जब PTI आई थी पाकिस्तान पे कितना कर्जा था? वजन 50 के करीब हो गया, ढाई सालों में वो काम किया है PTI ने, ये बता दें। ये बात पूरी पूरे बाजार में मुझे ये बंदे मिले हैं जिन्होंने पूरे वजाहत के साथ बताया कि जनाब PTI की गवर्नमेंट के क्या क्राइसिस थे, नून लीग के गवर्नमेंट को हम पसंद करते तो उसकी क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस इलेक्शन को इमरान खान को वोट कर रहे हैं। इमरान खान को सपोर्ट करने की कोई एक खास वजह भी बता दें? इमरान खान की खास वजह ये है कि उसने आके लोगों को बताया, शऊर पैदा किया है कि ये चोर है, ठीक है, ये 14 पार्टियाँ एक साइड पर, वो एक अकेला बंदा एक साइड पर, ठीक है, उसने सब कुछ मैंशन किया है, सब कुछ वजाहत की है। भाई बैठे ये कह रहे हैं कि इतना कर्जा था नून लीग के दौर में, ठीक है, तो वो कैसे वो बताएं जरा? मैंने बताया इनसे, पूछे इन्होंने बताया, इन्होंने नहीं बताया ना, मैं क्या किया उन लोगों ने बताएं, पूछे इनसे, भाई से पूछे ना, बताएं ना काम है वो बताएं कौन कौन से किए। 2.5 साल में जो उन्होंने काम किए ना उसका आपको आने वाले वक्त में फायदा होगा, ठीक है। ये क्या बात हुई? उन्होंने ये नहीं किया कि सड़कें बना दी, सीमेंट वाले काम कर दिए, लोहे वाले काम कर दिए, ये काम उन्होंने किए, ठीक है। मैं इसके बड़े भाई की शादी थी, मैं गया इन लोगों के यहाँ, PTI की हुकूमत थी, आज से 50 साल पीछे आप चले जाए ना, वो ऐसा दौर चल रहा है इनके इलाके में। वो कौन सा है आपका, क्या है वो? सैयद वाला, ठीक है। उधर है कौन? नहीं छोड़े, उधर है कौन? नून लीग। उधर है कौन, क्या नाम है उसका? बरजीत साहिब। नून लीग बरजीत साहब वहाँ कहाँ है? वो सांगले शाहकोट में आता है, जिधर हम गए ना वो काड़ा वाली साइड पे। आज शाह उधर है, ठीक है, वो कौन है? PTI का है ना, राइट हैंड है,
तो काम नजर आता है ना भाई, बातें नहीं यार छोड़े। उधर भी पीटीआई है, उधर भी पीटीआई है। हाँ, हम हमारे ननकाना साहब में आए, आपको काम देखेगा, बातें नहीं। और सैयद वाला में चले जाएं। वो चीज ये है कि वोट कहती 804 का है, बस बात खत्म। नेचर लोगों के जहनों के ऊपर एक सवार हो चुके हैं खान साहब। तो इलेक्शन हो रहे हैं अनकरीब, किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे? एक ही बंदा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। कौन सा बंदा? इमरान खान। बस उनकी पसंदगी की एक वजह भी साथ बताते हैं। उनकी एक तो ईमानदार है, और दूसरा ये सारे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, प्रोपोगंडे कर रहे हैं। जो भी जो कुछ कर रहा है ना, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन पता है कि वो ईमानदार है, और अल्लाह पाक उसको फतह देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा तो शनाज एडी कांडी पे आप सब नून लीग के सपोर्टर हैं। जी जी, मैं प्लीज़ एक बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये सब कुछ करवा रहा है, ठीक है, उससे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है कि अजान हो रही है, कि इस मुल्क के बच्चों का सोचे, उनका सोचे, और प्लीज़ चोरों को हमारे सामने ना लेके आए। रिक्वेस्ट है उससे, वो आपको भी पता है, ठीक है, और हमें भी पता है वो कौन है। बस रिक्वेस्ट उनसे ये है कि मुल्क के बच्चों का सोचे, बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आगे ये था आज का हमारे NA 103 का इलेक्शन सर्वे, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने नवाज शरीफ से भी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इमरान खान से भी मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा थे, जिनका यही कहना था कि कैदी नंबर 804 का वोट है, जो मर्जी हो जाए वोट इमरान खान का हो जाए। चलिए अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।